वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और फिलहाल ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, मैं जा रही हूं घर पे। घर पे जाने से पहले मैं सोच रही हूं क्यों ना थोड़ी बहुत कुछ चीजें मुझे लेनी है। तो जैसे कि मेरी क्रीम व्रीम खत्म हो रही है, कॉम्पैक्ट पाउडर खत्म हो रहा है, और भी कोई एक दो चीजें, जैसे मेरे पास अभी ना क्लचर भी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि लड़कियों के साथ सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको हेयर बैंड नहीं मिलता, आपको क्लचर नहीं मिलता, चाहे कितने भी ले लो। मेरे साथ सेम इशू है, मैं कितने भी खरीदूं मुझे कभी मेरे रूम में नहीं मिलता है, कभी मेरी जगह पे नहीं मिलता है। तो एक तो मुझे वो भी लेने हैं, तो मैं ये सब चीजें लूंगी। और हुकुम मुझे पिक करने के लिए आए हैं क्योंकि आज हम साथ में आ गए थे। आप कुछ कहना चाहेंगे जनाबे अली? आ जाते हैं कभी कभी, लेने क्या दिक्कत है। हाँ, कभी कभी हम ऑलवेज साथ में नहीं जाते हैं और आते हैं ऑफिस। टाइमिंग का इशू है। हाँ, टाइमिंग का इशू है। प्लस हमारे हुकुम के कुछ रूल भी हैं। रूल ये है कि ऑफिस ऑफिस की तरह होता है ज्योति, आप अपने काम से अपने टाइम से जाइए। वो तो अलग चीज है, पर टाइम बैठता नहीं है ना। सेम टाइम बैठ जाए तो फिर आने जाने में साथ में क्या दिक्कत है? आप अपने अंदरूनी विचार बताना नहीं चाह रहे हो, मैंने बता दिया। अंदरूनी तो ये है, ऑफिस ऑफिस की जगह है। हां, तुम्हारे नहीं है वहां तो मैडम और सर है। पति पत्नी नहीं है ये, मुझे पहले से पता है इनके विचार। इसीलिए मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं पता है ऑफिस में कि अरे एक ही जगह से एक ही घर से निकल के कौन ऐसे अलग अलग ऐसे गाड़ियां अलग अलग ऐसे लेके आता है कि कोई स्कूटी से आ रहा है कोई गाड़ी से आ रहा है। मैंने कहा हम आते हैं। बिल्डिंग भी तो अलग अलग है ना। बिल्डिंग अलग अलग है, बट आप अगर जाना चाहो तो मुझे छोड़ के और फिर आगे जा सकते हो। फिर मेरे कभी काम पड़ गया फिर आपको लेने नहीं आया तो टाइम पे फिर आप परेशान हो गए। बहुत सारी चीजें। हाँ, ये सब तो है। हुकुम राइट 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 हुकुम। और आप लेट हो गए तो मैं परेशान हूंगा। मुझे ये जो हुकुम की जो जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं कंटिन्यू, उनको पता है कि बैकग्राउंड में हमारे हुकुम कितनी प्यारी हंसी हंसते हैं। हमारे हुकुम की हंसी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या बताने वाली थी यार, मैं भूल गई। हाँ, कि हुकुम है ना, मैं हमेशा व्लॉग में ये बताना भूल जाती हूँ, ये बोलना भूल जाती हूँ एक्चुअली, कि प्लीज यार जितने लोग देखते हैं व्लॉग ना उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हुकुम मेरी तरफ से आप कर दो ना कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी तरफ से बोलना। लाइन होती है ना, वो सब बोलते हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ प्लीज यार। तो कमेंट तो बहुत सारे आप लोग करते हो, बताते रहते हो। और मैं ना बीच बीच में सही में मैंने वो जो चैलेंज लिया था मारवाड़ी वाला, वो मैं हार गई क्योंकि घर पे गेस्ट आए थे। तो मैं भुआसा हुकुम और इनको समझ नहीं आती है, वरना मैं डेफिनेटली उस चैलेंज को पूरा करती। लेकिन आज आप मुझे इस व्लॉग में कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि क्या कोई आप मुझे चैलेंज देना चाहोगे जो मैं पूरा करूं अपने व्लॉग में, क्योंकि मुझे लगता है कि व्लॉग्स में कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए, चैलेंज काइंड ऑफ। तो आप मुझे जरूर बताओ। और आगे के एक दो व्लॉग में अपन वाला भी रख लेते हैं Q&A। हाँ, आप मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उसके लिए भी मैं एक पहले कम्युनिटी पे पोस्ट डालूंगी YouTube पे, उसमें आप मुझे बताना कि आप मुझे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, उनके आंसर्स मैं दूंगी। और आप मुझसे ही पूछ सकते हो। हाँ, आप हुकुम से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर किसी को ऐसा है कि मेरे बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो हुकुम से, या पता लगे मेरे लिए ज्यादा आ जाए आपके लिए। क्यों ना मैं साथ में क्यों नहीं करे, मतलब साथ में हम दोनों बैठ के आंसर देंगे उन क्वेश्चन के। करोगे तो क्वेश्चन पे ना, मेरे लिए जो आएगा तो मैं दे नहीं, अगर मेरे लिए भी आएगा तो भी आप दे सकते हो ना। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है। तो प्लीज यार, प्लीज प्लीज आप लोग ना हुकुम से भी कुछ क्वेश्चन करना जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी Q&A में, ताकि फिर ये भी कुछ आंसर दें और बहुत कुछ। ओके, बाहर का मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, ऐसा लग रहा है आज तो बारिश हो ही जाएगी। और ये है राय ब्यूटी। बस अब अंदर चलते हैं, देखते हैं हम क्या क्या लेते हैं। हुकुम भी गाड़ी पार्किंग में लगा के बस आते ही होंगे, तब तक मैं कुछ चीज़ें देख लेती हूँ, क्योंकि उनको ना मेरा शॉपिंग करना बहुत वैसे लगता है कि बहुत टाइम लगाती है। तो मैं फटाक से ही ले लेती हूँ जो भी, वैसे मैं इतना टाइम लगाती नहीं हूँ, बट हाँ आपको पता ही है कि यार हस्बैंड लोगों को खड़े रहना पसंद नहीं है ज़्यादा देर तक। ये हुकुम आ गए, आके खुद की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जनाब, ऐसे नहीं मेरी रिकॉर्डिंग कर लें। मैं यहाँ पे लिपस्टिक चेक कर रही थी, अलग अलग शेड में ट्राई कर रही थी, अगर लिपस्टिक पसंद आ जाए तो ले लूँ। ये मैंने देखो क्या किया, शॉपिंग हो गई डन, चले खुला ही नहीं था यार, खुला हुआ है। तो फिलहाल मैं आ गई हूँ घर पे, और ये जो आपको शेड नजर आ रहा है ना लिपस्टिक जो ये नजर आ रही है, ये मैं लेने वाली थी फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि ये कैमरा भी इतनी डार्क नहीं लग रही जितनी रियल में डार्क लग रही है। एकदम डार्क चॉकलेट ऐसे कॉफी वाला कलर लग रहा है ये, बट पता नहीं क्यों कैमरा पे तो ठीक लग रही है। बट मैं ये लेने वाली थी बट नहीं ली, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आया फिर, क्योंकि इसे सिमिलर तो मेरे पास है बहुत सारे ऐसे न्यूड कलर ना,
शॉपिंग हो गई है, मैं घर आ गई हूँ, फटाक से मैंने कपड़े चेंज किए, हाँ क्योंकि मैं दिखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को देखते ही तो फिर वो शुरू हो जाती है शॉपिंग में मैंने क्या क्या लिया वो भी दिखाऊंगी, पर पहले मैं क्यू के पास चले जाती हूँ। तो चलो क्यू का रिएक्शन दिखाती हूँ। क्यू मम्मा, क्यू मम्मा, मम्मा हाय कीवी, हाय, ओ आ जाओ आ जाओ। चिया, चिया किसको बोल रहे मम्मा? ये चिया जीजा, जीजा। अच्छा उसको लगा मैंने कहाँ पे, यहाँ भी है हर जगह जीजा की। अच्छा जीजा मेरा बच्चा, मेरा बच्चा शैतान। किसने मारी आपको, मुझे नाम बताओ, दादी सा ने या हुकुम ने, पापा ने, किसने लिया, दाता ने, किसने पिटा आपको, जीजा किसने, किसने मारा आपको, जीजा दिखाओ, ये जीजा, जीजा फोटो दिखाओ, जीजा की फोटो दिखाओ, जीजा की जैसी लगती है जीजा भी, जीजा कहाँ की बा, कल वाला वीडियो बता ना वो जो मोबाइल, ये जीजा, कल वाला बता, कल ये जीजा। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलते हैं चलते हैं। मुझे लग रही थी भूख, मैंने फटाक से पहले खाना खाया। तो चलो बिना देर किए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ। तो देखो मैं बहुत ही प्यारा सा ये लेकर आई, ऐसे पीछे पिन है और ये है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं लेकर आई थी पिंक कलर में वो किशू लेकर चली गई, और मुझे इस तरह की क्यूट चीजें बहुत पसंद है। लगाने का तो कहीं मौका मिलता नहीं इतना, बट अगर मिला तो लगाऊंगी। इसमें मैं व्हाइट ढूंढ रही थी बट मुझे व्हाइट मिला नहीं, तो फिर एक मैं व्हाइट क्रंची लेकर आई। मुझे लगता है बालों से ज्यादा तो ये हाथों में ही रहता है, आपको पता है। और एक ये ऐसे क्लच लेकर आई, ये नेल पेंट रिमूवर है, ये मेरा बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर खत्म हो गया था तो ये है, ये वाइट टोन मैं कभी कभी यूज करती हूँ, कभी ऐसे मतलब मेकअप करने का मन नहीं हो और आपको कुछ लगाना हो तो मैं ये लगाती हूँ, तो मैं ये लेकर आई। बायोटिक का ये टैन रिमूवल है फेस पैक जो है, मैं ये लेकर आई, ये मैं पहली बार यूज करने वाली हूँ, इससे पहले मैंने यूज नहीं किया है बट मैं इस बार ट्राई करूंगी। और मेरा मेनली तो ये जो कॉम्पैक्ट है मेरा शुगर वाला ना, ये खत्म हो गया था तो मुझे मेनली तो ये चाहिए था, तो मैं ये लेकर आई हूँ, इसके लिए गई थी मैं बेसिकली, बाकी चीजें तो फिर भी पड़ी थी मतलब थोड़ी थोड़ी ना। और एक ऐसे ही ये नॉट टाइप बना हुआ ऐसे ये हेयर बैंड लाई हूँ, और ये वाला कलर नेल पेंट का मुझे हमेशा चाहिए होता है तो ये खत्म हो गया था तो मैं ये दोबारा लेकर आ गई हूँ। मतलब कुछ और लगाऊं ना लगाऊं बट मैंने फिलहाल ऐसे लगा के देखा हुआ है, तो ये कलर मैं सिल्वर कलर जो है ना वो हमेशा लगाती हूँ, ये लेकर आई। ये चीज़ तो मैं थोड़ी बहुत ये लेकर आई, और हुकुम क्या लेकर आए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हुकुम लाए कॉफी बीटर, कॉफी बीटर लेकर आए हुकुम, क्योंकि उन्हें कॉफी पसंद है, मुझे इतनी नहीं पसंद है, मतलब पसंद है बट ऐसे नहीं कि उनको चाय नहीं पसंद, उनको कॉफी पसंद है तो अपने लिए लेकर आए हैं ये, वरना वो हमेशा खुद स्पून से और ऐसे करते थे कॉफी को बीटना, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरी था ये। एक हम लेकर आए हैं ये मसाजर, पहली बार ही यूज करने वाले हैं हम भी। हुकुम को थोड़ा बैक पेन रहता है और पापा हुकुम को भी रहता है, और समटाइम जिस दिन मैं ऑफिस में ज्यादा टाइम तक खड़ी रह लेती हूँ, शूट जब होते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है, तो मेरा भी बैक, मुझे लगता है बैक पेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको होता है कुछ ना कुछ ना। तो हुकुम ये भारी भरकम, काफी हैवी है ये, अगर मैं इसका थोड़ा बहुत भी आपको रिव्यू दूं तो, ये मसाजर है। अब देखो ये तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसे क्या काम करती है और कितना काम करती है। ये इस तरह से चेंज हो जाएंगे और ये ऐसे ऐसे घूमेंगे, ऐसे कुछ जब हम इसे यूज करेंगे तो मैं आपको व्लॉग में जरूर दिखाने वाली हूँ। मतलब हाथ में लेने से काफी हैवी है, पीछे ये इसके जो भी सेटिंग्स हैं ऑफ ऑन के जो भी हैं बटन वगैरह हैं, वेट तो है इसमें, वेट तो है। कंपनी वगैरह क्या है, ऐसी तो कोई फेमस स्पेसिफिक कंपनी तो मुझे लग नहीं रही है, कुछ भी नहीं है। देखो इसे यूज करने पे पता चलेगा, और मैं पूछ के भी आई हूँ कि अगर पता चले एक दो दिन में ही खराब हो जाए तो क्या इसका कुछ ऐसा है क्या, रिटर्न हो जाए या जो भी, पर उन्होंने बोला नहीं आप इसे रिपेयर करा सकते हो, हम तो बेचने के बाद इसे वापस नहीं लेने वाले, बट हम इसे यूज करके देखते हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना सबसे पहले पापा गुम पर यूज करके देखते हैं, पापा को बहुत प्रॉब्लम रहती है बैक पेन की, तो पापा को दिखाएंगे अभी। तो अब बाहर जाती हूँ और पापा को मैं एक बार खाना खा लें, उसके बाद में उनको ये दिखाऊंगी जो मसाज करने के लिए जो मशीन हम लेकर आए हैं, और उन पे ही टेस्ट करूंगी। मैं इसको ना जस्ट चेक कर रही थी निकाल के कि क्या कैसे है, पहली बार यूज कर रही हूँ, देखो बेडशीट पे ये हाल हो गया, सब कुछ गिर गया, पता नहीं क्या सिस्टम है यार, ऐसे क्या ऊपर ऐसे लग रहा है ऐसे पानी डाल के रखा था क्या। अच्छा।
बल्ब नहीं है बल्ब है क्या बोल रहे दाता यार देखो बल्ब कैसे होगा क्या मैं शूटिंग के थोड़ी लाइन मार हां बेटा बल्ब वही कह जा रही है बल्ब 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 क्या लगाता है बल्ब टी-शर्ट क्या लगाता लग जाता है वो क्या पापा को देखो क्या ये मसाजर है आपकी बैक में मसाज करेंगे हम अच्छा अभी आते हैं आप वॉक पे जा रहे हैं ओके डैडू डैडू अभी हमारे वॉक पे जाएंगे उसके बाद आके चेक करेंगे डैडू पे एक्सपेरिमेंट करेंगे एक्सपेरिमेंट क्या मम्मा क्या बोल रहे हैं पोती कर लो आप मम्मा का मेरा मन नहीं लग रहा जाने का मुझे लग रहा है क्या कह रही है देखो क्या बोल रही है हमारी कीवू गुम्मी बाय बाय गुम्मी तो नहीं आप यहीं रहे बाय बाय कर दो थक गया बेटा पूरे दिन से आप क्या क्या कर बाय 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 गुम्मी ये क्या बाय 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 जा रहा है कीवू भी जाएगा जाएगा नहीं जाएगा जाएगा कीवू नहीं जाएगा जाएगा नहीं नहीं हुकुम नहीं अभी नहीं रात को सोएगा लेट इसको मत ले जाओ मत ले टाइम हो रहा है कीवी अब सोने का टाइम हो रहा है बेटा 10 बजने वाले हैं क्या गलत दे दिया अब रोएगी हुकुम अब रोएगी अब नहीं आएगी अपन घूमने चलेंगे ना रुला दिया रुला दिया रुला दिया रुला दिया अब नीचे जाके लाना पड़ेगा नीचे घूम के नीचे जाके लाना आजा आजा ओ बदमाश मैं तुझे बुला रहा हूं बदमाश बुला रही है अच्छा अच्छा रुक रुक मैं बताऊं तन रुक आजा 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 रुक जा रुक जा जा रहे मैं तो जा रहे आजा 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 दादी साहब जा रहे हैं कीवी के मैं लेके आता हूं लेके आ जाओ लेके आ जाओ कीवा कैसे चल रहा है बिट्टू तू कीवा मोटू गमी 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 नाटक तेरे गमी सॉरी और ऐसे कर रही है मामा गर्मी गमी सब पता चलता है उसको कीवी क्या है जब मम्मी और पापा घूमने जाते हैं ना तो वो जिद करने लग जाती है वो रोने लग जाती है तो हम सब भी फिर साथ में ही बाहर घूमने के लिए आ गए और हमने फिर ऐसा भी करा कि मम्मी पापा ज़्यादा दूर तो घूमने जाते हैं तो फिर हम आधे रास्ते से मैं हुकुम और कीवी को लेकर वापस आ गए थे क्योंकि वैसे भी वो जिद कर रहे थे इसीलिए हम गए थे मम्मी पापा बहुत दूर तक वॉक करने जाते हैं बात करो आप जीजा से कीवी अपना बेड पे ही रखती है क्या ये आवाज दो जीजा कीवी इसको साथ डिशुम डिशुम कैसे खेलते हो आप डिशुम डिशुम कीवी जीजा से बात तो करो आप जीजा से बात तो करो जीजा से बात करो जीजा को खम्मा घनी करके दिखा दो कीवी इसके डिशुम डिशुम कर दो डिशुम डिशुम आओ लगी नहीं कहाँ लगी मुझे बताओ कहाँ लगी मैंने देखा आपको नहीं लगी फिर भी आपको लग रहा है कहाँ लगी यहाँ कीवी के पापा कीवी को लग गई देखो कीवी को लग गई कीवी को प्यार करो तो कीवी को प्यार कर दो प्यार करो कहाँ लगी बताओ पापा को बता दो कहाँ लगी नहीं लगी वैसे मुझे बताओ यहाँ इधर लो मामा को मैसेज देखना कीवी कहाँ लगी मुझे बताओ कि मामा को किसी कर दो मामा को मारना नहीं है मामा को किसी करना है वो बता रही है कि मुझे यहाँ लगी ऐसा कर दो पापा को करके आओ पापा को किसी करके आओ पापा पापा के पास आ जा ना तू यहाँ पे पहनो चम्मा को यहाँ पे यहाँ पहनो यहाँ पे यहाँ पहनो किससे करती है पापा ये लो जेजे क्यों जेजे कैसे करते हैं जेजे
तो यहाँ पर कीवू सुबह सुबह अपने दाता के साथ पूजा कर रही है, जय जय कर रही है। मैंने उसे वहीं चेयर पर बिठा दिया था और उसको ना बहुत अच्छा लगता है अगर दाता और उसके दादी साहब कोई भी मंदिर जाते हैं या फिर कोई पूजा कर रहे हैं तो साथ में जे 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 करती रहती है हमारे। तो चलिए, आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। टेक केयर, बाय बाय। खम्मा गणेश हुकुम और सब्सक्राइब जरूर।